करते हैं। आइए देखते हैं क्राइम से खबरें। महिला का आरोप पति के हाथ पैर बांध कर चार लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। सोरिक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पति मजदूरी करता है। 8 अप्रैल की रात करीब 1 बजे वह पति के साथ घर लौट रही थी, तभी मोहल्ला अम्बेडकर नगर निवासी एक युवक व 3 अन्य अज्ञात साथियों के साथ बाइक से उसे घर लाया। दरवाजा खोला तो वहाँ लोग गाली देने लगे। विरोध करने पर पति के हाथ पैर अंगूठे से बांध कर पिटाई कर दी। इसके बाद सभी ने दुष्कर्म किया है। यह लोग उसके और उसके पति की कनपट्टी पर तमंचा मार रहे थे, इससे कि वह लोग शोर न मचा सके। इन लोगों के चले जाने के बाद पति ने शोर मचाया, तब आसपास के लोग आ गए थे। वह किसी तरह से थाने पहुंचे, वहां सुनाई नहीं हुई। इसके बाद एसपी को पत्र भेजा गया, वहां भी कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर कोर्ट में शरण मिल गया, जहां यूपी के काजर जिले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि वह 4 लोगों के साथ उसके घर में धावा बोलकर पति के हाथ पैर बांध दिए हैं, कनपट्टी पर तमंचा लगाकर उसे सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस की सुनवाई न करने से आहत होकर कोर्ट में शरण ली है। कोर्ट के आदेश पर सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। कमरा बंद किया और 2 साल की मासूम को पिघलता छोड़ फांसी के फंदे पर झूलसी विवाहिता। मेरठ के सिविल लाइन के थाना क्षेत्र में PWS कंपाउंडर में विवाहिता ने संदिग्ध हालत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मायके के पक्ष पे तौहीर पर पुलिस ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पति को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के उत्तम नगर निवासी पूजा 25 उम्र की बताई जा रही है। पुत्री महेंद्र की शादी 3 साल पहले PWS कंपाउंड निवासी सुमित पुत्र अशोक के साथ हुई थी। सुमित फ्रिज एसी का मैकेनिक है और गंगाधर स्थित किसी दुकान पर काम करता है। शादी के बाद उनको एक बेटी कनक 2 साल की भी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को पूजा घर पर ही थी, उसी दौरान संदिग्ध हालत में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे पड़ोसियों ने पूजा की बेटी की रोने की आवाज सुनी तो काफी देर तक भी वह शांत नहीं हुई। उन्होंने वहां देखा कि वह फांसी से लटकी हुई थी, तो इसी दौरान उन्होंने पुलिस को यह इस बात की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।